आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाऊंगी आपको सलवार के पोंचे बनाने। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, 20 इंच इसकी ये लंबाई है और चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। और ये मैंने बुकरम ली है, ये भी 20 इंच ली है, इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.25 इंच। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, बुकरम को हम ऐसे रखेंगे 1 सेंटीमीटर कपड़ा छोड़कर और बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे कर लेंगे, सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहां से कट करेंगे। ये हमारा सलवार का बॉटम है, जैसे हमने इसमें कट लगाया है ऐसे इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए, इस कट को और इस कट को ऐसे मिलाएंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ये कट लगाने से हमारे पोंचों में सलवटे या फिर झोल नहीं आता। ये देखिए, एक कट से कट ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पर। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे देखिए, और इस वाली साइड एक टॉप सीम लगाएंगे ताकि हमारा पोंचा अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो सके। ये हमारी टॉप सीम लग गई, अब हमारा पोंचा आसानी से अंदर फोल्ड हो जाएगा। देखिए, अब हम इसको ऐसे करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे और इस किनारी पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है, अब मैं इधर सिलाई लगाऊंगी, आधा सेंटीमीटर मार्जिन लूंगी। यहाँ से मैं आधा सेंटीमीटर छोड़कर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। जितना नीचे छोड़ा है इतना ही ऊपर छोड़ूंगी, आधा सेंटीमीटर, और फिर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, हमारे दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है, अब मैं इस कॉर्नर पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे पर लगानी है।
अब इन दोनों साइड में जिगजैग भरूंगी। अब मैं इस एरिया में जिगजैग भरूंगी छोटे छोटे, ऐसे मशीन को चलाएंगे और ऐसे हाथ चलाना है। जैसा मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, बस ऐसे अगर आपकी मशीन तेज चल रही है तो आपको तेज़ ये हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा जिगजैग के लिए। अगर आप धीरे चला रहे हैं तो फिर धीरे थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सिलाई शुरू की। ये देखिए, ये दोनों साइड हमारे जिगजैग बन गए हैं। अब मैं बीच में बड़े बड़े जिगजैग बनाऊंगी ऐसे करके। ये देखिए, ये मेरे जिगजैग बन गए। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैं ये जो खाली जगह है इसको भरूंगी। जैसे ये वाली सिलाई ली है ऐसे ही इसके साथ साथ एक सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इसको यहाँ सिलाई को रोकेंगे और ऐसे करेंगे इसको और फिर यहाँ जिगजैग बनाएंगे। जिगजैग बनाने के बाद इस सिलाई को ऐसे वापस ले आएंगे, फिर ऐसे इस सिलाई के पास ऐसे लेकर आएंगे और यहाँ बीचों बीच मशीन को रोकेंगे ऐसे और फिर जिगजैग बनाएंगे। ये पोंचा डिजाइन बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमारे एक साइड की सिलाइयाँ भर चुकी हैं। अब ये जो खाली जगह है हम इस पे भरेंगे। देखिए, इसको हम यहाँ से सिलाई लेंगे ऐसे। और यहाँ से इसको वापस लेंगे। जिगजैग बनाया हमने, फिर ऐसे राउंड राउंड इसे वापस ले जाएंगे। ये देखिए, हमारा पोंचा डिज़ाइन बन चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगा और आपको
आसानी से आप इसको बना सकेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।